हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिल्ली। आप देख सकते हो वीडियो में कितने अच्छे से हमारा पनीर चिल्ली बनकर तैयार है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। पनीर चिल्ली बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे मोटे मोटे पीसेस में काट लिया है। एक प्लेट में हमने यहाँ पर 2 कटे हुए प्याज, 3 कटे हुए कैप्सिकम, 3 से 4 कूटे हुए लहसुन के दाने और 2 बारीकी से कटे हुए हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी, 1 टेबलस्पून टोमेटो केचप। सोया सॉस, सेजवान चटनी और टोमेटो केचप हमने घर पे ही बनाए हैं और इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हमें 2 टेबलस्पून मकई का आटा डाल देना है, 2 टेबलस्पून मैदे का आटा, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे बैटर की तरह मिक्स कर लेना है। इसे हमें बिल्कुल पकोड़े के बैटर की तरह मिला लेना है। बैटर हमारा बनकर तैयार है। अब इसमें कटे हुए पनीर डाल देंगे। और पनीर को इसमें अच्छे से डुबो देंगे। फ्लेम पे हमने पैन रख दिया है। अब इस पैन पे हमें थोड़ा सा तेल डाल देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम बैटर में डूबे हुए पनीर के पीसेस फ्राई कर लेंगे। पनीर को हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। एक साइड अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें हम पलट लेंगे ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से फ्राई हो जाए। पनीर हमारा फ्राई होकर तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी पनीर के पीसेस को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब फ्लेम पे हमने कढ़ाई रख दिया है। अब इस कढ़ाई में हमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देना है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम कूटे हुए लहसुन और 2 बारीकी से कटे हुए हरी मिर्च और इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमें कैप्सिकम और प्याज डाल के 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा अजीनोमोटो। अगर आपके पास अजीनोमोटो नहीं है तो इसे आप स्किप भी कर सकते हो।
अब हम इसमें एक टेबल स्पून सेजवान चटनी डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो और भी डाल सकते हो। एक टेबल स्पून टोमेटो केचप और एक टेबल स्पून सोया सॉस। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम पनीर को फ्राई करने के बाद जो बचा हुआ बैटर था उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से गाढ़ा बन चुका है। अब इसमें हम एक छोटा ग्लास पानी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा पतला कर देंगे। अब जो फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस थे उसे हम इसमें डाल देंगे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब फ्लेम को हमें बंद कर देना है। पनीर चिल्ली हमारा बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।